हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले वर्चुअल रैम की। तो वर्चुअल रैम बेसिकली आपने बहुत सारे आजकल के जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहे हैं आप देख रहे होंगे कि अलग अलग फीचर के नाम से आ रहा है कि कंपनी कह रही है कि आपके फ़ोन में 6 GB या 8 GB रैम है, बट इसे आप एक्सटेंड कर सकते हो 12 GB और 16 GB तक। तो ये कैसे कर पा रहे हैं, क्या होता है वर्चुअल रैम, कैसे वर्क करता है आपके मोबाइल में। तो आज इस वीडियो में हम सब इस थॉट को क्लियर कर देंगे कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस फीचर को कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये कैसे आपके लिए काम करेगा। आप चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं कि वर्चुअल रैम होता क्या है। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि आपके सिस्टम जो है, आप PC यूज़ करें चाहे मोबाइल यूज़ करें, उसमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली होता क्या, एक रैम होता है, एक रोम होता है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक रीड ओनली मेमोरी। तो रैम आपका बेसिकली स्पीड का काम करता है, जो भी आपका एक टेम्प्रेरी टास्क को ओपन करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए काम होता है। और जो आप स्टोर करते हो डेटा, वो आपका रोम में जाता है, जैसे स्टोरेजेस होते हैं। तो जैसे अगर हम मोबाइल का एग्जांपल ले लें, तो आपको मिलते हैं ना डिवाइसेस कि 4+128, 6+128। तो इसका मतलब क्या होता है कि 6 GB रैम होता है आपका और 128 GB स्टोरेज होता है। बिल्कुल क्लियर है, हार्डवेयर बिल्कुल दो अलग चीज़ें हैं। या आपके मोबाइल या PC आप जहाँ भी देख लो, दो वर्चुअल रैम होता क्या है। वर्चुअल रैम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर बनाया है अलग अलग कंपनीज ने, सबने अलग अलग नाम दे दिया है। शुरुआत इसकी वीवो ने करी थी, बट फिर सैमसंग भी ले आया, OnePlus भी ले आया, Redmi। बेसिकली ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको एक स्टोरेज डिवाइस दे दिया जाता है। आपका स्टोरेज आता कहाँ से है, ये आता है आपका, आपके जो SSD है, जो आपका स्टोरेज है, मान लीजिए आपके फ़ोन का स्टोरेज 128 GB है, तो उसमें से कंपनी आपको कहेगी कि आप मैक्सिमम 6 GB तक या 8 GB तक या 12, 16 GB तक मैक्सिमम लिमिट है अभी। तो इतना डेटा, इतना आप स्टोरेज ले सकते हो जिसे आप अपने रैम की तरह यूज़ कर सकते हो। क्लियर है बिल्कुल, कि आपको आपके स्टोरेज से ही कुछ आपको स्पेस मिल जाएगा जिसे आप अपने रैम की तरह यूज़ कर पाओगे। तो बट क्या ये एक्चुअल में वर्क करेगा एज ए रैम की तरह प्रॉपर, जैसे आपकी रैम आपकी प्रोसेसिंग को फास्ट कर देती है, आपकी जो भी आप फंक्शन कर रहे हो आपके मोबाइल पे या PC। मान लीजिए आपने वर्चुअल रैम को इनेबल कर लिया, गेमिंग कर रहे हो, बैकग्राउंड में कई सारी एप्लीकेशन ओपन कर रखी हैं, तो ये क्या करेगा, ये उनको मेमोरी देगा जिससे आपकी एप्लीकेशन वो ओपन रहेगी, पीछे आपकी वर्क कर पाएगी। आप जैसे इसे ओपन करोगे तो रिफ्रेश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगी। दिस इज़ द ओनली वर्क दे कैन डू। क्लियर है ना, ये कुछ आपका इतना डीपली काम नहीं करने वाला कि आप इसे एक्चुअल रैम की तरह कंसिडर कर सकते हो। तो अब ये कहाँ कहाँ काम करेगा वर्चुअल रैम, ये आपका काम करेगा। मान लीजिए गेमिंग के टाइम पे आपने बैकग्राउंड में काफ़ी सारी एप्लीकेशन को ओपन रखा है, वहाँ पे ये ओपन रहेगी, वहाँ पे आपको बार बार रिफ्रेश करने की नीड नहीं पड़ेगी, तो वहाँ आपका काम करेगा। मल्टीटास्किंग कर रहे हो आप, बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन करके कर रहे हो अपने फ़ोन में, तो उसको एक वर्चुअल मेमोरी दे देगा कि आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, क्योंकि एप्लीकेशन जब भी ओपन होती है आपकी तो रैम में ही ओपन होती है। फीचर्स प्रोसेसिंग स्पीड, तो वहाँ पे आपका काम करेगा ये बेसिकली, वहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ को थोड़ा बहुत फास्ट कर देगा ये, जैसे आप क्लिक करके जो प्रोसेस होके स्टोर होता है डेटा, वो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। दैट्स इट। अब ये बड़ी कंपनीज हैं जैसे आपकी गूगल है, एप्पल है, इन्होंने क्यों नहीं अभी तक ये पर लिया है, तो इसके रीज़न आप अपने स्टोरेज से कुछ एरिया डिवाइड करके उसको कहते हो कि आप इसे रैम की तरह यूज़ कर लो, तो वो क्या करता है, आपकी रीड एंड राइट साइकिल को ज़्यादा कर देता है। तो इम्पैक्ट ये होता है कि हो सकता है आपका स्टोरेज भी करप्ट होने लगे, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए। तो डेट्स वाई ये बड़ी कंपनीज ने अभी तक इसे नहीं लाए हैं, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे आपका स्टोरेज इंपैक्ट हो रहा है, रीड एंड राइट साइकिल ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि आप डेटा जब परमानेंट स्टोर करते हो, तो वो आप लगभग इतना रेगुलर नहीं करते हो, आप एक बार करोगे, डिलीट करोगे, फिर करोगे, फिर डिलीट करोगे, आप लॉन्ग टर्म में करोगे। बट आपका रैम क्या करता है, एकदम सडनली रीड एंड राइट पे वर्क करता है। आप कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो, एकदम रीड हो रहा है, राइट हो रहा है, तो इस तरह से वर्क होता है। तो बात करते हैं कि आप अपने फ़ोन में वर्चुअल मेमोरी को इनेबल कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया एक फ़ोन है Redmi 12 5G। सबसे पहले मैं आपको इसकी बॉक्स दिखाता हूँ, इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। पा रहे होंगे इस बॉक्स में कैसे लिखा हुआ है, 16 GB रैम, 256 GB स्टोरेज, 16 GB रैम, और एक छोटा सा स्टार बना दिया है इन्होंने। अब इस स्टार का मतलब क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये लिखा है अप टू 16 GB रैम, और नीचे आपको यहाँ दिख पा रहे होगा इंक्लूड्स 8 GB वर्चुअल रैम। तो देख पा रहे हो कंपनी की किस तरह का ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कि कंपनी ने सीधा सीधा 8 GB रैम थी उसको 16 GB बोल दिया है छोटा सा स्टार लगा के, और है वो वर्चुअल रैम। दोस्तों इसके लिए मैंने ले लिया है Redmi 12 5G। इसके इंटरनल जो 8 GB रैम आई है, 8 GB तक इन्होंने बोला है कि आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले आप जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में आने के बाद नीचे आपको मिलेगा एक एडिशनल सेटिंग्स, यहाँ पर आपको एक फीचर दिखता है स्पेशल फीचर्स के अंदर मेमोरी एक्सटेंशन। तो अलग अलग ब्रांड में अलग अलग टाइप का मिलेगा, कहीं आपको टर्बो बूस्ट मिलेगा, कहीं आपको रैम एनालाइजर मिलेगा, तो अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, बट मतलब काम सबका वही है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन में जाता हूँ,
तो आप देख पा रहे होगा ये मेरा ऑफ है और यहाँ पढ़ भी पा रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है क्रिएट एडिशनल रैम बाय ऑक्यूपाइंग स्टोरेज, यूज दिस फीचर ओनली व्हेन देयर इज इनफ स्टोरेज स्पेस अवेलेबल ऑन योर डिवाइस। तो मतलब वही है कि आपके स्टोरेज में, आपके डिवाइस में उतना डेटा, उतना स्टोरेज होना चाहिए खाली, तभी आप उसे रैम में कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आपका फ़ोन उस पर्टिकुलर एरिया को रैम की तरह यूज़ कर पाए। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी देखो हम 4GB, 6GB, 8GB हर तरह के अपने पास हैं कि आप कितना भी आप ले सकते हो कि मेमोरी एक्सटेंशन कर सकते हो अपने रैम को। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ 8GB और ये मुझे कहता है कि आपको आपका फ़ोन रिबूट करना पड़ेगा इस चेंजेस के बाद, तभी ये काम करना शुरू होगा। क्लियर है? बस मुझे यहाँ सेलेक्ट करना है 8GB एंड देन क्लिक ऑन रिबूट। दैट्स इट। तो मैंने आपको सब बता दिया है कि वर्चुअल रैम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, आपको क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट मेरा ये कहना है कि ये कोई ऐसा इतना बड़ा फीचर नहीं है जिसको आप कंसीडर करके एक पर्टिकुलर फ़ोन या पीसी को बाय करो, ये नहीं, इसका कोई मतलब नहीं बनता है वर्चुअल रैम का, कोई फंडा इतना लॉजिकल थिंग नहीं है, कोई आपको एक्चुअल रैम की तरह वर्क नहीं करेगा। कंपनीज की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कह सकते हो आप, अलग अलग नाम से एक नया नया फंक्शन बना के दिखा रहे हैं, बेच रहे हैं और बस यही हो रहा है। तो आप इसको इतना ध्यान मत दीजिए भाई, अपना फोकस रखिए कि एक्चुअल में कितनी रैम है, कितना रोम मिल रहा है आपको, क्या प्रोसेसर है, वो सब चीज़ें देखिए। बट ये जो वर्चुअल रैम का लॉजिक है इतना भी कामगर नहीं है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी से अगली वीडियो में। बाय बाय।